देखो, हमारे लिए तो बाड़मेर रामिनक भगवान को रूप है। आपकी सिर्फ घोषणाएं होती है तो पेपर रद्द करने की घोषणाएं होती है। सरकार की सबसे बड़ी घोषणाएं मेरे को तो यही लगती है कि पेपर रद्द करती है, जिससे छात्र शक्ति के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, ये सरासर गलत है। और जो ये बजट सामने आने वाला है, 5 साल के अंदर राजस्थान की जनता इंतजार करती है एक हर साल कि बजट आएगा और हमें किसानों और मजदूरों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सिर्फ वो इंतजार ही करते रह जाते हैं। बजट किसानों के मजदूरों के हित में आ नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं ये जनता के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो गांवों की जो पीड़ित जनता है वो इस सरकार को, लोगों को चुनती है। कभी कोई सरकार आती है, सरकारें आती चली जाती है, इससे जनता का भला क्या हो रहा है? आप लोगों को सोचना चाहिए आप किस प्रकार का जनप्रतिनिधि चुन के संसद और विधानसभा में भेजोगे कि वो आप लोगों के भले के लिए और आप लोगों के भविष्य के लिए कार्य कर पाए, मजबूती से आप लोगों की आवाज़ को बुलंद कर पाए। ऐसे लोगों को आगे लाओ जो आप लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए लोग। कह रहा हूँ जी, अन्याय नहीं करना चाहिए। यहाँ की धरती सोना उगल रही है, यहाँ तो विकास की धारा बहनी चाहिए। ये छोटा दुबई है। आज देखा जाए तो बाड़मेर के अंदर भगवान ने भी इतना यहाँ के लोगों की मेहनत को और यहाँ के लोगों की ईमानदारी को देखते हुए इतना आशीर्वाद दिया कि प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक रूप से रोजगार यहाँ उत्पन्न किए हैं, तो उनको आगे बढ़ाते हुए यहाँ के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रखते हुए, यहाँ के लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं तभी तो यहाँ तेल निकल रहा है और भी कई प्रकार की चीज़ें जो भारत देश के अंदर और कहीं नहीं। तो बाड़मेर को मैं मानता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए और यहाँ के लोगों का भविष्य मजबूत हो, इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए सरकार को। जो मंच पर आसीन जगदीशपुरी जी महाराज, मनोहरलाल जी गर्ग, प्राचार्य डॉक्टर रमन जी चौधरी, डालूराम जी सारण साहब, उदाराम जी मेघवाल, खेराज राम जी प्रजापत। कार्यक्रम की सफलता तभी है जब समस्त छात्रों के द्वारा अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण रूप से सहयोग किया जाए। किसी भी प्रकार की भगदड़ और आपाधापी से बचे आप और बहुत ही शांति एवं संयम पूर्वक कार्यक्रम के समस्त लम्हों में आप शामिल हो। याद आ रहा है
गदे। पल के लिए मेरा निवेदन रहेगा मुकेश जी रूडी से कि आप निर्मल जी को माल्या स्वागत करावे। नुकार के लिए निवेदन रहेगा श्री भैरू सिंह। चौधरी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा।